भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी की मीटिंग हरदोई कचहरी में संपन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव विष्णु कुमार मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत अर्कवंशी, प्रदेश संगठन मंत्री अशोक वाजपेयी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्नू सिंह दयाल कटेरिया, मंडल अध्यक्ष रावेंद्र सिंह चौहान, पंडित रामलखन पाठक जिला अध्यक्ष हरदोई, असरफीलाल कनौजिया जिला अध्यक्ष बरेली आए सभी अधिकारीगण मौजूद रहे और कप्तान साहब पीड़ित ब्लॉक अध्यक्ष हरियामा कमलेश कुमार के साथ जाकर सभी पदाधिकारीगण न्याय दिलाने की बात कही है। कमलेश कुमार जी, किस मैटर को लेकर आप यहाँ पे आए हैं? हमारे साथ 14-15-16 में दगा धोखा हुआ था, शोषण हुआ था, गरीबों का पैसा लेके नौकरी के नाम भंडारे के नाम से कम 80 लोगों के साथ ठगी हुई था। जी जी। उसके बाद डाक के माध्यम से लेटर आए, लेटर लेके लोग इधर उधर विभागों में, जनपदों के, उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में गए। जी जी। वहाँ पर लेटर फर्जी पाए गए, हम लोगों को साथ में लेके हमने एसपी साहब महोदय को प्रार्थना पत्र दिया और मुकदमा दर्ज कराया। एक मुकदमे में साहब हम वादी हैं, दूसरे में गवाह हैं, फिर भी पुलिस विवेचना अधिकारी को विपक्षी लोगों ने इतने तर्कश, इतने राजनीतिक लोग जो थे जिन्होंने विवेचना अधिकारी को खरीद लिया, बहुत मोटी रिश्वत देके हमें दोनों मुकदमों साथ जेल भेज दिया गया। हम 3 साल से ज़्यादा जेल में रहे, उसके बाद जेल के बाद आया तो आज अदालत में जब हम आते हैं पेशियों पर तो विपक्षी लोग हमारा एक्सीडेंट, हमारे बच्चों को अपहरण करा के कत्ल करा देने की धमकी देते, कहते अदालत में अगर हमारे खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाए तो परिवार का परिवार मिटा दूंगा, मुँह दिखाने लायक नहीं रखूँगा, जिंदा नहीं रखूँगा, जमीन में गड़वा दूँगा। यह बात कौन कहता है? विपक्षी लोग, विमलेश त्रिवेदी जो जलालपुर के रहने वाले हैं, थाना निका मझिला जिला हरदोई है, विजयवर्ती शिवपाल मोहलिया जिला हरदोई के रहने वाले, इन्हीं लोगों ने सब ठगी की। अच्छा जी, तो आप अभी यहाँ किसी किन लोगों से मिलने आए हैं? हमने सुना था भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी आ रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन, हम जब से जेल से आज बराबर सेवा करा, मुझे बहुत सहयोग मिला। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है हमारे हमको लेके और एसपी साहब से हमारी बात कराई और मुलाकात कराई, बहुत हमें सहयोग दिया। इसके लिए किसान यूनियन में हम तन मन धन से साथ में हैं, हजारों लोग लेके जाएंगे।